हमारी दिन की शुरुआत होती है व्हाट्सएप की गुड मॉर्निंग से और एंड भी होती है गुड नाइट से। हम एक दिन में कम से कम 4 से 5 घंटा अपना समय मोबाइल में स्पेंड करते हैं और हमको एहसास भी नहीं होता है कि हमने कितना समय मोबाइल में स्पेंड किया हुआ है, क्योंकि कभी इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है। अगर आप भी अपना मोबाइल दिन में बार बार चेक करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आप सुबह उठे और अपना मोबाइल देखना शुरू कर दिया, आप मोबाइल में चेक करने के लिए गए कि आपका कोई इम्पोर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। जब आपने अपना मोबाइल का इंटरनेट चालू कर दिया तो उसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको आना शुरू हो जाएंगे, जिससे आप जो काम करने के लिए गए थे वो काम नहीं करके आप दूसरा कुछ वीडियोज वगैरह देखना शुरू करेंगे। जब आप एक वीडियो देखने के लिए जाते हो तो नीचे सजेशन में उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आते हैं और जिसको हम देखना चाहते हैं, हमारा दिल हमारा माइंड उस वीडियोस के प्रति आकर्षित हो जाता है और हम उसमें क्लिक कर देते हैं। तो हम एक वीडियो देखने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो हमारा 20-25 मिनट, एक घंटा, दो घंटा कभी निकल जाता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। ये समस्या सबके साथ है, आपके साथ भी है ना, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये सारे समस्या हर किसी के पास है और बार बार अपना मोबाइल को चेक करना, उसमें मैसेजेस देखना, नोटिफिकेशन को चेक करना हर किसी की आदत बन चुकी है। इससे बाहर आने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप है, इसको थोड़ा सा रिप्लेस कीजिए। आप जो भी YouTube या Instagram, Facebook, जिस भी रिलेटेड आप वीडियोस देखते हो और जिसका कोई आपको फायदा ही नहीं है, तो ऐसा वीडियो आप को देखने के बजाय आप जो भी स्किल ग्रो करना चाहते हो उसके लिए आप वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। आप कोई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपका ज्ञान बढ़े और आप अच्छा करो। जैसा कि आप एक इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप खुद से बोलते हो कि मैं कल से मेरे लिए इंग्लिश के ये वीडियोस देखूंगा, लेकिन आप इंग्लिश वीडियो नहीं देखते हैं, आपका दूसरा नोटिफिकेशन आते हैं तो आप दूसरी वीडियो देखते हो, तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो सबसे पहले आप वही रिलेटेड वीडियो देखें जो आपका स्किल को ग्रो करे और आपको जिंदगी में कुछ अच्छे बनने के लिए प्रेरित करे। सेकेंड है, अपना टाइम फिक्स कीजिए, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या इवनिंग में आपको कभी मोबाइल इस्तेमाल करना है और उस टाइम पे आप क्या देखने वाले हो। कभी आप फ्रेंड से बात करने वाले हो, कभी आप अपने फैमिली से बात करने वाले हो और कभी आप स्टडी करने वाले हो, तो अपना एक एक टाइम उसके लिए भी फिक्स कीजिए। और तीसरी बात है, आपका जो नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है वो सारे नोटिफिकेशन आप बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान है, आप जो वीडियो देखना जा रहे हो वही देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे।